हे बाबूजी, नहीं बोलना मुझे, बाप नहीं हूं मैं तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा यह जानना जरूरी है कि इस घर का मुखिया अब भी मैं हूं। दरअसल अम्मा बाबूजी ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है, वो तो तुम्हें इस घर का रोशन चिराग, बरगद का पेड़, पता नहीं क्या क्या समझते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ बबूल का वो पौधा हो जो कितने ही खूबसूरत गमले में क्यों ना रखा जाए, उसका दाखला घर के अंदर नहीं बाहर ही होता है, वो वहां तुम्हारी जगह वहां है। और उसके, अरे यहां कहां देख रहे हो, वहां देखो ना, तुम्हारी जगह वहां है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, और मेरी बात काट कर कोई बात कहे ये मुझे हरगिज गवारा नहीं। क्या तय हुआ था हम दोनों के बीच? नहीं, बोलो बोलो, क्या तय हुआ था कि तुम्हें घर के एक कोने में रहने दिया जाए और तुम हमेशा उस जगह को याद रखोगे? एक लावारिस, एक अनाथ को मैंने अपना नाम दिया ताकि वक्त आने पर उस नाम की कीमत अदा कर सके। आह, क्या खूब कीमत अदा की है तुमने। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शादी का फैसला कर लिया, मेरे घर में रहकर मेरे नाम के सब सारे फैसले कर लिए, मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। कोई बात नहीं, तुमने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैं तुमसे पूछ लेता हूं। बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ? धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर कर दूं, या फिर छीन लो अपना वो नाम जो तुम्हारी शख्सियत बना हुआ है, और सारे जग से ये कह दूं कि ये अनाथ, ये लावारिस नाजायज औलाद है जो जबरदस्ती मेरे पीछे बांध दिया गया है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की गलती है।